नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हमारे लिए दोस्तों चाहे वो सीटेट हो या यूपीटेट हो, स्किनर महोदय कितने इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। स्किनर महोदय से हमेशा दोस्तों एक या दो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हर बार आता है। इस बार आपने देखा होगा तो सीटेट में दोस्तों भर भर के क्वेश्चन आए थे। दोस्तों अगर आपके मित्रों ने दिया होगा या आपने खुद दिया होगा तो आपने मूल्यांकन किया होगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। आज की श्रृंखला बहुत ही धमाकेदार होने वाली है और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। एक बार वीडियो को ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दिएगा और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जानते हैं सर्वप्रथम पहले दोस्तों ये आपके स्टडी 91 पे कुछ दोस्तों बैचेस प्रारंभ हो चुके हैं। हिंदी का यूपी टेट, सुपर टेट यूपी पुलिस कांस्टेबल, पीसीएस ओजीसी नेट का आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि स्किनर महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया था। हम सभी जानते हैं स्किनर ने क्रिया प्रसूद अनुबंध का सिद्धांत दिया था। क्रिया प्रसूद अनुबंध का सिद्धांत दिया था। दोस्तों हमारे मन में दूसरा प्रश्न उठता है कि आखिर इन्होंने कब यह सिद्धांत दिया था। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक कहाँ के निवासी थे, ये भी प्रश्न उठता है। तो अमेरिका के निवासी थे। स्किनर महोदय कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। कभी कभी पूछ लेता है सीटेट में नहीं, पर यूपी टेट में दोस्तों हमेशा पूछ लिया जाता है हमेशा कि कहाँ के निवासी थे स्किनर महोदय। तो इन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। दोस्तों ये कहाँ के प्रोफेसर थे? हार्वर्ड विश्वविद्यालय के। बी एफ स्किनर के द्वारा वर्ष 1938 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था सर? 1938 में दिया गया था। कौन सा सिद्धांत? सक्रिय अनुबंध व क्रिया प्रसूद अनुबंध का सिद्धांत दोस्तों दिया गया। दूसरा हमारा प्रश्न बनता है कि इन्होंने प्रयोग किस पे किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, इन्होंने प्रयोग किया था चूहे पे 1938 में और कबूतर पे किया था 1943 पे। पहले इन्होंने चूहे पे प्रयोग किया, फिर भाई साहब माने नहीं, कहा कि चलो भाई कबूतर पे भी प्रयोग करते हैं दोस्तों। और वो कबूतर और चूहे कैसे थे? सफेद कबूतर थे दोस्तों। कैसे थे? सफेद थे। तो ये दोस्तों आपके कबूतर सफेद थे, चूहा भी आपका सफेद था। यानी प्रयोग आपका एक क्वेश्चन बन गया कि स्किनर ने प्रयोग किस पे किया। तो आप बता सकते हैं चूहे पे और कबूतर पे प्रयोग किया था उन्होंने। और दोस्तों अन्य नाम क्या है क्रिया प्रसूद अनुबंध सिद्धांत के? अन्य नाम दोस्तों कभी कभी एग्जाम में दोस्तों क्रिया प्रसूद अनुबंध सिद्धांत नहीं पूछता बल्कि अन्य नाम पूछ दिए जाते हैं। तो उन अन्य नामों को भी जानना आपके लिए अति आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि आज का प्रश्न जो हमारे बन रहे हैं हमारे एग्जाम में वो सीधा सीधा प्रश्न हमसे नहीं पूछा जा रहा है। लॉजिकल थिंकिंग वाला पूछा, चिंतन वाला पूछा जा रहा है और सीधा प्रश्न एग्जामिनर हमसे नहीं पूछ रहा है, क्योंकि जानता है कि सीधा सीधा प्रश्न तो आप बता दें कि भाई क्रिया प्रसूद अनुबंध सिद्धांत किसने दिया, तुरंत आप बता दें कि भाई स्किनर ने दिया था। पर अगर वो पूछ ले आपसे कि बताइए नैमित्तिकता का अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप कहेंगे भाई स्किनर ने दिया था। सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, ये भी स्किनर ने दिया था। सक्रियात्मक अनुबंध का सिद्धांत, ये भी आपके स्किनर ने दिया था। इसमें इन तीनों चीज में एक ही कॉमन है, वो क्या है? अनुबंधन। क्या है दोस्तों? अनुबंधन शब्द कॉमन है। यानी याद रखिएगा कि जहां अनुबंधन की बात आए तो तुरंत मार दीजिएगा बी एफ स्किनर। नेक्स्ट चल दोस्तों, अभी यही सिलसिला यहां नहीं खत्म हुआ। अब बात की अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत। इसमें अनुबंधन नहीं है पर इसमें है अनुक्रिया दोस्तों, याद रखिएगा अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत। क्रियात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, स्किनर अनुबंध का सिद्धांत देखिए आ गया। तुरंत अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, ये भी आ गया दोस्तों, तुरंत मार सकते हैं। नमिकता व संगनात्मक अनुबंध का सिद्धांत। ज्यादातर दोस्तों स्किनर महोदय के या स्किन आपका कोई भी सिद्धांत पूछेगा तो अनुबंधन और अनुक्रिया, ये याद रखिएगा अनुबंधन और अनुक्रिया जरूर रहेगा और वही आपका क्या होगा? सिद्धांत होगा दोस्तों। ये याद रखिएगा, ये ट्रिक है। और ये सारे सिद्धांत किसने दिए थे? बी एफ स्किनर महोदय ने दिए थे। किसने दिए थे? बी एफ स्किनर महोदय ने दिए थे दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि प्रयोग दोस्तों, इन्होंने अपना पहला प्रयोग जो किया था वो किस पे किया था? इन महोदय चूहे महोदय यानी रैट पे किया था, सफेद चूहे पे किया था। कैसे किया था आइए जानते हैं दोस्तों। तो सर्वप्रथम इन्होंने एक बॉक्स बनाया जिसे स्किनर बॉक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्किनर बॉक्स कहा जाता है दोस्तों। तो स्किनर ने जो ये बॉक्स बनाया था दोस्तों, तो ये बड़े बढ़िया ढंग से बनाया था। आपने अभी पढ़ा होगा कि अभी थर्नडाइक की थ्योरी आपने पढ़ाई थी दोस्तों, तो थर्नडाइक ने दोस्तों स्टिमुलस रिस्पॉन्स यानी दोस्तों उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। यानी स्टिमुलस को देख के क्या क्रिया बिल्ली ने प्रतिक्रिया की। यहाँ पे दोस्तों उन्होंने स्किनर ने उनकी बात को
नकारते हुए, उनके प्रयोग को नकारते हुए उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि उद्दीपक ही महत्वपूर्ण नहीं होता बल्कि पुनर्बलन भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और दोस्तों उन्होंने रेनफोर्समेंट यानी पुनर्बलन को ही सब कुछ माना और उन्होंने अपना प्रयोग किया। कैसे? जैसे उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति भूखा है, तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो उसे किसकी आवश्यकता है? उसे भोजन की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? भोजन की आवश्यकता है, तो प्रतिक्रिया करेगा ही करेगा। उसी तरह से उन्होंने क्या किया कि एक भूखे चूहे को दोस्तों बंद कर दिया एक पिंजड़े में। एक पिंजड़े में जब उन्होंने भूखे चूहे को बंद कर दिया, अब वो चूहा भूखा था तो वो दोस्तों इधर उधर दौड़ने लगा, प्रतिक्रिया करने लगा और उस बॉक्स से निकलने का वो कोशिश करने लगा। और जैसे ही दोस्तों उस बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था? एक लीवर लगा हुआ था दोस्तों। जैसे ही इस लीवर पे इस चूहे का पैर पड़ा दोस्तों, एक टुकड़े का दाना यानी कि एक भोजन का दाना, अन्न का दाना उसके उस पे गिर गया, पिंजड़े के अंदर गिर गया। तो दोस्तों चूहे ने यह जाना कि जब जब हमारे चूहे ने यह प्रक्रिया बार बार की, कई बार दोस्तों घूमा फिरा, फिर जाके लीवर पे हाथ उसका पड़ता, फिर घूमा फिरा, फिर पड़ा, तो जब जब चूहे ने देखा कि जब मुझे यानी कि अन्न की आवश्यकता है, जब जब इस लीवर पे मेरा पंजा पड़ रहा है तब तक मुझे अन्न का दाना मिल रहा है। वो जान चुका था कि अगर मुझे अन्न का दाना लेना है तो लीवर पे पंजा मारना पड़ेगा, तभी मुझे अन्न का दाना मिलेगा, अन्यथा मुझे अन्न का दाना नहीं मिलेगा। उसे भूख लगी थी, जब जब वो अपनी भूख को मिटाने के लिए तुरंत दोस्तों कहा जाता था लीवर पे पंजा मारता। पहले दोस्तों उसे ज्यादा समय लगा, फिर दूसरी बार जब उन्होंने ये प्रयोग किया तो उसे कम समय लगा, तीसरी बार उन्होंने प्रयोग किया तो उसे और कम समय लगा। ऐसे स्किनर ने यह समझा कि चूहे को दोस्तों जब भूख लगी तो वो सीख चुका था कि अगर मुझे अन्न का दाना पाना है तो लीवर पे हाथ दबाना है। तो दोस्तों ये उन्होंने बताया कि जब चूहे को भूख लगी तो उसने प्रतिक्रिया की, वो दोस्तों इधर उधर घूमा और उसने अधिगम की प्रक्रिया कर ली और वह चीजों को सीख गया। फिर उन्होंने ये नहीं माना, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोस्तों एक और प्रयोग किया, दूसरा प्रयोग किया उन्होंने चूहे पे, सॉरी कबूतर पे। दूसरा प्रयोग उन्होंने किया, किस पे किया? कबूतर पे किया। और उन्होंने कबूतर को भी दोस्तों एक बॉक्स में बंद कर दिया। क्या किया? एक बॉक्स में बंद कर दिया। कबूतर भी भूखा था काफी दिन से, तो दोस्तों उन्होंने कहा कि और एक बॉक्स में बंद कर दिया और एक दोस्तों यहाँ पे छेद था, उससे एक प्रकाश आता था। क्या आता था? प्रकाश की किरणें आती थी, प्रकाश की किरणें आती थी। तो दोस्तों जो प्रकाश था, तो चूहा जो कबूतर था, कबूतर जब भूखा था कबूतर इधर उधर चोंच मारता था, इधर उधर मारता था, तो थोड़ा सा प्रकाश जब वो देखा कबूतर ने, तो उस वहां पे दोस्तों कबूतर ने अपनी चोंच मारी। जैसे ही कबूतर वहां पे चोंच मारता दोस्तों, तो वहां से दोस्तों अन्न का एक टुकड़ा उसके भी बॉक्स में, खिड़की थी वो खुल जाती और उसके बॉक्स में एक अन्न का टुकड़ा गिर जाता। तो कबूतर दोस्तों पहले उसको ज्यादा समय लगा, दूसरी बार उसने फिर यही प्रतिक्रिया की और जैसे ही वो चोंच मारता उस जगह पे जहां से प्रकाश आ रहा था और वहां से उसको टुकड़े की प्राप्ति हो जाती थी। तो दोस्तों एक बटन वहां लगा हुआ था, जैसे ही वो बटन दबता, जब चोंच मारने से उसका बटन दबता तो एक अन्न का टुकड़ा गिर जाता था। इसी तरह से कबूतर ने कई बार प्रयास किया, पहले उसके ज्यादा समय लगा, दूसरी बार उससे कम समय लगा, तीसरी बार और कम समय लगा, अन्य बार उससे कम समय लगा। और कबूतर जान चुका था कि अगर मुझे अन्न का दाना प्राप्त करना है तो यहाँ पे चोंच मारना है, तभी मुझे अन्न का दाना मिलेगा। इस प्रकार से स्किनर ने चूहे पे और कबूतर प्रयोग किया। आपसे पूछा जा सकता है कि कबूतर को एक बार स्किनर ने उससे आठ बनाने का, कौन सा अंक बनाने का प्रयास करवाया था? तो आठ अंक बनाने का प्रयास करवाया था। क्या? आठ। वो चाहता था कि कबूतर बनाए आठ अंक। तो ये भी प्रयोग उन्होंने करना स्टार्ट किया था, प्रयोग करना प्रारंभ किया, उससे बहुत ही कोशिश की कि कबूतर बना सके आठ अंक। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये था दोस्तों आपके स्किनर महोदय का प्रयोग। आइए अभी जानते हैं इसके बारे में और कुछ। ये दोस्तों आपके स्ट्रीट 91 में अपनी हिंदी वीडियो पेट कॉम्बो, सारी पुस्तकें हैं, फ्री डिलीवरी है, कहीं भी आप मंगा सकते हैं, नंबर भी दिया गया है, कोई दिक्कत परेशानी।
आइए दोस्तों, अधिगम में अब बात करना। स्किनर ने बताया कि अधिगम यानी सीखना, अधिगम का अर्थ क्या होता है, सीखना। सीखने में क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन हार्वर्ड विश्वविद्यालय के बी.एफ. स्किनर द्वारा किया गया। उन्होंने क्या किया, प्रयोगों के आधार पर स्किनर ने यह निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला भाई, कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलन ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। क्रिया प्रसूत का संबंध किसी भी ज्ञात उद्दीपन से न होकर उत्तेजना से होता है। क्या कहा उन्होंने, कि उत्तेजना से किसी भी चीज को बालक सीखता है, किसी को बालक के सीखने के लिए अभिप्रेरणा भी आवश्यक है दोस्तों। यानी कि उसे चूहे को और कबूतर के किसकी उत्तेजना थी, भूख की उत्तेजना थी, उन्हें भूख लगी थी दोस्तों। यानी कि आपके अंदर किसी भी चीज को जान पहचानने की उत्तेजना है, किसी चीज को सीखने की उत्तेजना है, तो आप किसी भी चीज को साधारण पूर्वक सीख सकते हैं। उसकी भूख होनी चाहिए आपके अंदर, आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए किसी चीज को सीखने की। चाहे कोई भी दोस्तों है, जैसे आप मैथ के स्टूडेंट हैं, अगर आपको मैथ लगाने की इच्छा, यार मैथ में मुझे इस बार 100 में 100 नंबर लाना है, क्योंकि अगर मैं मैथ में अच्छे मार्क्स लाऊंगा तभी मैं इंजीनियर बन सकता हूं, तभी मैं साइंटिस्ट बन सकता हूं, तो दोस्तों अपने पिताजी और माताजी को खुशी प्रदान कर सकता हूं। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, ये आपकी भूख है, ये आपकी नीड है, आप चाहते हैं ऐसा, तो दोस्तों आप उसके लिए प्रयास करेंगे और आप जरूर सफल होंगे। आप सीखेंगे मैथ को लगाना, मैथ की ट्रिक्स सीखेंगे, मैथ के फॉर्मूले सीखेंगे कि भाई सूत्र याद करो अच्छे से, उसका प्रयोग करो, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तब आप जरूर सीख पाएंगे दोस्तों। तो उसके लिए आप स्वयं मोटिवेट होने चाहिए, स्वयं दोस्तों आपको उसकी भूख होनी चाहिए, उसकी इच्छा होनी चाहिए, भूख इन द सेंस इच्छा होनी चाहिए दोस्तों, ललक होनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट। पुनर्बलन क्या होता है दोस्तों, रेनफोर्समेंट होता है दोस्तों आपको एक प्रकार का घूस, क्या घूस देना, या आपकी सोच दोस्तों घूस। जैसे कि आपको कहा जाता है, पिताजी कहते हैं बेटा अगर इस बार तुम हाई स्कूल पास हो गए ना तो धूम वाली बाइक एकदम अपाची तुम्हें दिलवाएंगे, एकदम उड़ा देना तुम, हाँ मस्त जो कलर कहोगे वो फर्स्ट क्लास कलर तुम्हें दिलवाएंगे। अब तो लड़कों की डिमांड क्या है, बुलेट, हाँ बुलेट, टाइगर सर आपको देख लिए बुलेट चलाते हुए, बस बुलेट चाहिए पापा। तो बुलेट आपके पापा ने कहा कि हाई स्कूल तुम टॉप करोगे, 99% लाओगे, बुलेट तय है बेटा, एकदम बुलेट तुम्हें दिलवा दी जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, रेनफोर्समेंट दिया दोस्तों, तुम्हें घूस दिया एक प्रकार का, कहा कि बेटा अगर इस कार्य को तुम कर दिए तो तुम्हें ये चीज इनाम में मिलेगी। बस आप दोस्तों पढ़ाई में जुट गए, आप दोस्तों एकदम जी जान से आप पढ़ रहे हैं, और आपकी ये कोशिश थी कि इस बार 99% हाई स्कूल में आना है, चाहे जैसे दिन रात एक आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों 99% लाने के लिए आपको मैथ भी सीखनी पड़ेगी, आपको साइंस भी पढ़ के सीखना पड़ेगा, ज्योग्राफी सीखनी पड़ेगी, हिस्ट्री सीखनी, हर सब्जेक्ट में आपको मास्टर बनना पड़ेगा, तभी दोस्तों आप 99% ला सकते हैं हाई स्कूल में। तो दोस्तों यानी कि उनका कहना था स्किनर का कि पुनर्बलन बहुत ही आवश्यक होता है, यानी भूख लगना, भूख इच्छा प्रकट होना, इच्छा होना बहुत ही आवश्यक है सीखने के लिए, अधिगम के लिए। किसी भी चीज की दोस्तों आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, किसी भी चीज की सीखने के लिए आपके अंदर भूख होनी चाहिए। जब आपको पुनर्बलन मिल गया कि अरे अब तो आपको मिलेगी बाइक, तो आपके मन में भूख उत्पन्न हो गई, यार इच्छा उत्पन्न हो गई कि यार बच्चा बुलेट मिलेगा, खूब बच्चे घूमेंगे घूमेंगे फिरेंगे, यार धूम मचाएंगे। तो ये क्या थी, आपकी इच्छा थी, आपकी भूख जागृत हो गई, पिताजी ने थोड़ा सा हिंट दिया, आपकी भूख जागृत हो गई, आपकी इच्छा जागृत हो गई, और उसी इच्छा की पूर्ति के लिए आप सीखने लगे, कार्य करने लगे, आप पढ़ने लगे। तो वही चीज है दोस्तों। तो नेक्स्ट है दोस्तों पुनर्बलन के प्रकार, रेनफोर्समेंट के भी दोस्तों प्रकार होते हैं, इसे दो प्रकार में विभाजित किया गया। कितने प्रकार में, दो प्रकार में दोस्तों। एक होता है सकारात्मक पुनर्बलन, एक होता है नकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है, ये जानते हैं दोस्तों। जो सकारात्मक पुनर्बलन होता है, यदि प्राणी को सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है, जैसे भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा आदि। कैसे सर, क्या हुआ, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट नहीं समझ में आया, अभी बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। सकारात्मक पुनर्बलन यानी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, जैसे कि आपने किसी भी कार्य को किया और उस कार्य से आपके पिताजी, आपके माताजी बहुत खुश हो गई और कहे बेटा आज तुम्हारे मन पसंद खाना बनाएंगे, बताओ क्या भोजन बनाएं आज।
और आपने उनसे फरमाइश की कि भाई आज चिकन बिरयानी बननी चाहिए। बस माता जी ने तुरंत बहुत ही अच्छी फेवरेट चिकन बिरयानी बनाई। दूसरे दिन पिताजी ने कहा कि बेटा इस काम को फिर से कर दीजिए, बहुत अच्छे ढंग से आपने किया, फिर दोबारा आप वही काम बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे। तो ये क्या है दोस्तों, सकारात्मक पुनर्बलन है। सर ने आपको कोई काम दिया कि ये मैथ का सवाल है बेटा, तुम्हें कल सॉल्व कर देना इस मैथ के सवाल को, और आपने पूरे मैथ के सवाल 10 में से 10 सही कर दिए। पूरे क्लास के सामने आपको, अरे भाई विजय तो मैथ में जीनियस है, 10 में 10 क्वेश्चन मैंने दिया था, 10.5 क्वेश्चन उसने अच्छे किए हैं, एक भी क्वेश्चन उसका गलत नहीं। आपने क्लास में विजय की तारीफ कर दी, क्या यार बेटा तुम तो जीनियस हो। बस विजय का सीना चौड़ा हो गया, विजय को इतनी आत्मसंतुष्टि मिली, इतनी खुशी मिली कि अगली बार फिर से सर ने उन्हें 15 क्वेश्चन दिया, विजय ने 15 क्वेश्चन भी सही कर दिया। तो ये क्या है, ये सकारात्मक पुनर्बलन है दोस्तों, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कहा जाता है। जिस कार्य को करके आपको संतुष्टि मिले, जिस कार्य को करके आपको खुशी मिले, कुछ गिफ्ट प्रदान हो, जो चीज हो, जैसे भोजन प्राप्त हो, पानी हो, नौकरी हो, प्रशंसा हो आदि, वो क्या है सकारात्मक पुनर्बलन होता है, कहलाता है। अब इसका एक भाई है भाई, जिसका नाम है नकारात्मक पुनर्बलन। छोटा भाई है, नकारात्मक है, थोड़ा सा नटखट है। नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है, यदि प्राणी को नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को कभी नहीं दोहराता, कार्य को नहीं करता। जैसे कि क्या है, दंड देना, मना करना या डांटना। समझ में आया नहीं समझ में आया, अभी समझाते। जैसे दोस्तों कोई भी कार्य है, पिताजी ने कहा कि बेटा आज हमारी बाइक बुलेट एकदम चमकनी चाहिए, ऐसा साफ करो। अब आपका मन तो लगा नहीं है कि अरे पापा ने कहाँ से मुझे नौकर वाला काम दे दिया बाइक साफ करने। अब आपने साफ करना बाइक प्रारंभ कर दिया, पर सीट के में धूल जमी हुई है, लाइट पे धूल जमी हुई है, और पिताजी जब आए और कहे तुमने ये क्या साफ किया जी, लाइट पे धूल जमी हुई है, सीट पे धूल जमी है, और पिताजी ने एक दो हाथ आपको जड़ दिया। फिर दूसरे दिन पिताजी आए, पिताजी कहे बेटा जरा फिर से बाइक साफ कर दो। तो बेटा जी जाएंगे, अरे नहीं पिताजी बहुत तेज बुखार है मुझे, 100 डिग्री का बुखार है, मैं नहीं जा सकता, हिल नहीं सकता, बुखार आ जाएगा पिता बेटे जी को। तो वो चीज है, वो दोबारा उस कार्य को नहीं करेगा। आप एक अगर एक टीचर हैं, आपने किसी स्टूडेंट को बहुत डांट दिया, उसने कुछ पूछा आपसे, डांट दिया, दोबारा आप उससे पूछेंगे तो वो किसी चीज को बताएगा, कभी नहीं बताएगा। आपका दिया हुआ कार्य कभी करेगा, कभी नहीं करेगा। वही चीज है दोस्तों, जब नकारात्मक पुनर्बलन बनता है, यानी किसी को जब डांट पड़ती है, किसी को जब दोस्तों मना किया जाता है, उसको दोस्तों आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती, उसको दुख होता है, तो वो उस कार्य को कभी नहीं करता। बालक वही कार्य करेगा जिससे उसके आत्मसंतुष्टि मिले, उसे खुशी मिले, उसे अच्छा लगे, उसकी इच्छा जागृत हो, वही कार्य करता है। तो ये होता है आपका नकारात्मक पुनर्बलन। ये दोस्तों आपके आरओ का सहायक समीक्षा अधिकारी का कंप्लीट कोर्स मात्र 2499 रुपये में। डेली वीडियो क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, चैप्टर वाइज टेस्ट ऑफलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट। दोस्तों पुनर्बलन अनुसूची क्या होती है, पुनर्बलन अनुसूची यह भी दोस्तों दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है पुनर्बलन अनुसूची, दो प्रकार की है। कौन कौन सी होती है सर, एक होती है सतत पुनर्बलन अनुसूची, पहली अनुसूची है सतत पुनर्बलन अनुसूची। क्या होती है सतत पुनर्बलन अनुसूची, इसमें जब क्रिया होती है तो बालक को पुनर्बलन दिया जाता है। जब कोई भी कार्य बालक करता है तो पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बालक की तारीफ करना, अरे बेटा विजय तुम तो जीनियस हो यार, क्या क्वेश्चन सॉल्व किया, क्या गजब ट्रिक में, वो भी इतने कम समय में, क्या बात है बेटा तुम तो जीनियस हो। तो यानी कि वो क्या है, आप विजय के हर सवाल पे हल करने पर उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो ये ही कहलाता है दोस्तों पुनर्बलन अनुसूची, यानी सतत पुनर्बलन अनुसूची। बार बार किसी भी सवाल, फिर सवाल, दूसरा सवाल दिया, फिर विजय ने बहुत ही कम समय में हल कर दिया, अरे विजय तुम तो जीनियर हो, तो जीनियस हो बेटा, तुम तो मास्टर हो, मैथ के मास्टर। अब विजय का सीना चौड़ा, अरे वाह सर क्या बात है।
तो वो क्या है दोस्तों, हर कार्य पे उसके आप शाबाशी दे रहे हैं, हर सवाल पे हल करने का शाबाशी दे रहे हैं, तो वही चीज है, हर कार्य में उसको दोस्तों आप क्या दे रहे हैं, उसका दोस्तों आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो वही कहलाता है सतत पुनर्भरण अनुसूची। अब बात की जाए दोस्तों की आंशिक पुनर्भरण अनुसूची, आंशिक पुनर्भरण अनुसूची दोस्तों होती है, इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्भरण नहीं दिया जाता, बल्कि कुछ क्रिया के लिए पुनर्भरण दिया जाता है। दोस्तों इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्भरण नहीं दिया, बल्कि कुछ क्रिया के लिए, जैसे दोस्तों आपको सरल सवाल दिया जा रहा, आपके गुरुजी ने सरल सवाल दिया, आप सभी ने लगा दिया, तब तारीफ नहीं करनी चाहिए विजय की, हाँ भाई विजय सबने सॉल्व कर दिया, तुमने भी सॉल्व कर दिया। पर दोस्तों कभी कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कि बहुत ही कठिन होते हैं, जब उसे कोई व्यक्ति बच्चा सॉल्व कर जाए, अरे वाह बेटा क्या बात है, ये तो बहुत कठिन सवाल था बेटा, तुमने इसको सॉल्व कर दिया, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत शाबाश बेटा, ऐसे तुम सॉल्व करते जाओ मैथ, तुम जरूर जीनियस बनोगे, तुम इंजीनियर बनोगे। तो वो चीज यानी कि कभी कभी आप उसकी तारीफ करिए, यानी हर सवाल पे आप उसकी तारीफ मत करिए, वो सॉल्व कर जाए तो, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, आंशिक पुनर्भरण अनुसूची कहते हैं, यानी सभी सवालों की जगह सिर्फ कुछ सवालों की तारीफ करना। अब दोस्तों आपसे प्रश्न कैसे बनेगा, सर प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि एक क्लासरूम में, एक कक्षा में विजय नाम का एक छात्र होता है जो कि हर सवाल को तुरंत सॉल्व कर देता है, बहुत ही कम समय में हल कर देता है, और उसके शिक्षक हर सवाल पे उसकी तारीफ करते हैं, बताइए वह किस सूची के अंतर्गत आएगा, पुनर्बलन अनुसूची के अंतर्गत, आंशिक पुनर्बलन अनुसूची के अंतर्गत, ए या बी दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि प्रश्न अब सीधा सीधा नहीं पूछा जा रहा है प्रश्न, बल्कि घुमा के पूछा जा रहा है, लॉजिकल पूछ रहा है, तर्क के आधार पर पूछा जा रहा है। तब आप दोस्तों कहेंगे अरे सर विजय को, यानी कि हर सवाल पे गुरुजी उसकी तारीफ कर रहे हैं, हर सवाल पे उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं, यानी कि ये बात हो रही है किसकी, आपकी बात हो रही है सतत पुनर्बलन अनुसूची की, किसकी, सतत पुनर्बलन अनुसूची की, क्योंकि जो आपकी नकार, जो आपकी आंशिक पुनर्बलन अनुसूची होती है, इसमें दोस्तों कुछ ही बातों पे, कुछ ही जो कठिन हो, काफी कठिन सवाल हो, जो लगता हो कि हाँ इसमें मुझे बालक की तारीफ करनी चाहिए, उसी में टीचर क्या करता है, उसकी तारीफ करता है, वही होती है आपकी आंशिक पुनर्बलन अनुसूची। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका बेस मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत आवश्यक है। तो जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप आंसर नहीं दे पाएंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट जानते हैं कि सक्रिय अनुबंध का शैक्षिक निहार कैसे शिक्षा पे, दोस्तों कैसे बालक पे शैक्षिक अनुबंध का सिद्धांत का प्रभाव पड़ा, कैसे उसकी लाभान्वित हुए, कैसे उसकी फायदा होता है बालक का, इसके बारे में जानते हैं। स्किनर अधिगम हेतु उद्दीपन को आवश्यक न मानकर क्रिया और पुनर्बलन को महत्व देते हैं। स्किनर ने क्या किया, उद्दीपक को महत्वपूर्ण नहीं माना, यानी स्टिमुलस को महत्वपूर्ण नहीं माना। दोस्तों जैसे आपने देखा होगा थार्नडाइक ने क्या किया, बिल्ली के सामने उद्दीपक रख दिया, यानी बिल्ली के सामने उद्दीपक के रूप में मछली रख दिया था उन्होंने, और जैसे ही बिल्ली ने उद्दीपक को देखा, जैसे ही मछली को देखा, और उसने प्रतिक्रिया करना क्या किया, आरंभ कर दिया, और उसका लीवर पे पैर पड़ा और लीवर खुल गया, यानी दरवाजा खुल गया, और उसने सीखा, अधिगम की प्रतिक्रिया सीखी। पर यहां पे उन्होंने बताया नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पुनर्बलन आवश्यक है, और आवश्यक है, उन्होंने पुनर्बलन को महत्वपूर्ण माना। किसने, स्किनर ने, रेनफोर्समेंट को महत्वपूर्ण माना कि बालक के अंदर इच्छा होनी चाहिए, उसके अंदर भूख होनी चाहिए, तभी वो चीजें सीख सकता है। स्किनर के अनुसार छात्रों को पुनर्बलन दे के उनसे उचित अनुक्रिया करवाई जा सकती है, यानी छात्रों को पुनर्बलन दे के, यानी घूस दे के उन्हें कहा जाए कि भाई आप ऐसा कार्य करोगे आपको ये मिलेगा, तो बालक वो कार्य कर देंगे, तुरंत करेंगे, और वो सीखेंगे भी उस कार्य के बारे में। आपसे अगर कह दिया जाए कि आपको भाई 50,000 सैलरी हर मंथ दी जाएगी, पर आपको इतनी अच्छी पेंटिंग बनानी है कि 10 लोग उसकी तारीफ करें, 50 लोग उसकी तारीफ करें, उस पर साइन करके जाए, वेरी गुड, बस आप ऐसी पेंटिंग बनाएंगे दोस्तों, तो क्या आप सीखेंगे नहीं पेंटिंग ऐसा बनाना, तुरंत आप पेंटिंग सीखने लगेंगे, बनाने का प्रयास आप करने लगेंगे कि हाँ ऐसी पेंटिंग बनाए जिसे देख कर लोग उस पर लिख के जाएं, वेरी गुड, और जहां 50 लोगों की साइन आपकी कंप्लीट हुई, आपको तुरंत 50,000 कैश। दोस्तों तब कौन नहीं सीखेगा ऐसी पेंटिंग तुरंत, अरे यार, क्योंकि आपको वो वहां पे पुनर्बलन का काम क्या किया, आपका 50,000 रुपए पुनर्बलन का काम किया, और वही आपको सिखाया क्या, पेंटिंग करना आपको सिखाया।
यही चीज है दोस्तों, स्किनर की यही थॉट थी और वो काफी हद तक सफल भी हुए। इस सिद्धांत के अनुसार छात्र सदैव अनुक्रिया और पुनर्बलन के माध्यम से ज्ञान को अर्जित करते हैं, उन्होंने माना। कहीं कहीं पे इनका दोस्तों यानी कि नकारा भी गया, इसको गलत भी साबित किया गया, वो भी आप जानेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार जब छात्र स्वभाव से गलत अनुक्रिया करे तो उन्हें नकारात्मक पुनर्बल देना चाहिए जिससे वह उचित मार्ग पर प्रशस्त हो सके। ये कहते हैं कि उन्हें कभी कभी बालक जब गलत किरण दे तो उसे नकारात्मक पुनर्बलन भी देना चाहिए, यानी दंडित भी करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हर बार जब वो गलत चीज भी करे तो भी आप तारीफ करते रहें तो क्या होगा, वो दोस्तों गलत रास्ते पे चला। अरे यार गलत करो तो भी पैसा मिल रहा है, अच्छा करो तो भी पैसा मिल रहा है, तो बालक को गलत करने में बहुत मजा आता है, तो गलत ही रास्ते पे जाएगा दोस्तों। तो इसलिए अगर गलत रास्ते पे जा रहा है, गलत कार्य कर रहा है, लगाइए एकाक हाथ, यानी एकाक हाथ मत लगाइए, यानी कि उसको दंडित करिए, उसकी तारीफ मत करिए, उसे कहिए देखो तुमने गलत किया है, इसको और अच्छे से तुम कर सकते हो, ये सही नहीं है, उसको आप डांट सकते हैं, उसको वो कर सकते हैं, ठीक है। या छात्र अधिगम के मार्ग पर क्रिया करे तो उसे उसी समय सकारात्मक पुनर्बल देना चाहिए जिससे वह अधिगम करने हेतु उत्सुक हो। दोस्तों अगर अच्छा कार्य कर रहा है बालक, सही ढंग से सीख रहा चीजों को, तो उसे एक्टिव करिए, उसे दोस्तों यानी कि आप प्रोत्साहन दीजिए कि बेटा तुम तो बहुत अच्छा सीख रहे हो, बहुत अच्छी मैथ लगा रहे हो, आप कर सकते हो, अच्छा बेटा करो, और अच्छा करेगा दोस्तों। एकाध बार उसकी गलतियों को इग्नोर करिए, ठीक है बेटा चलो गलती हो गई, फिर अच्छा करो इसको, और अच्छा कर सकते हो तुम, अच्छे से करो जल्दी से, तो वो चीज देखो वो इतना अच्छा किया, तुम और अच्छे से करो। तो ये चीज है दोस्तों, उसको यानी कि आप प्रोत्साहन दीजिए शब्दों के माध्यम से, ये ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का नया बजट प्रारंभ महाबजट ऑफर, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। बालक की भाषा विकास तथा शब्दार्थ विकास में सिद्धांत का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। बालक की जो भाषा का विकास होता है, लैंग्वेज का विकास होता है दोस्तों, इसमें उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि वो अच्छे ढंग से सीखता है तभी उसकी तारीफ होती है। अरे वाह यार बेटा तुम कितना अच्छा बोलते हो, कितना अच्छा स्पीच दिया तुमने, कितना अच्छा भाषण दिया। तो बालक की भाषा विकास में दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रयोगों के माध्यम से स्किनर ने सिद्ध किया कि परिणामों की प्राप्ति संतुष्टि देती है और संतुष्टि अधिगम के लिए प्रेरित और उत्साहित करती है। दोस्तों जिस किसी भी कार्य को करने पर हमें संतुष्टि मिले, हमें दोस्तों अच्छा लगे, आनंद की आनंदभूति हो, तो हम उस कार्य को भला क्यों नहीं सीखेंगे, उस कार्य को भला क्यों नहीं करेंगे। तो वही चीज है दोस्तों ये कहा। नेक्स्ट है दोस्तों, स्किनर के सिद्धांत में पुनर्बलन यानी कि रेनफोर्समेंट। दोस्तों रेनफोर्समेंट मूल तत्व है, कोई भी चीज जो वांछित अनुक्रिया को सुदृढ़ करती है वही प्रबलक होती है। कोई भी चीज दोस्तों आपको वांछित प्रक्रिया को करने के लिए, वांछित इच्छा, जो चीज आपकी इच्छा है दोस्तों उसको करने के लिए अगर कोई पुनर्बलन आपको दे तो आप उस कार्य को जरूर करेंगे। इस सिद्धांत के महत्वपूर्ण से अच्छी निर्यात तथा व्यवहारिक उपयोगिता निर्यात है। छात्रों को सीखने तथा प्रेरित रखने के लिए पुनर्बलन का प्रयोग करना चाहिए। छात्रों को दोस्तों प्रेरित करने के लिए, उन्हें सिखाने के लिए हमें पुनर्बलन का प्रयोग करना, बेटा तुम अगर ये करोगे तुम्हें ये चीज जरूर मिलेगी, तुम्हें दोस्तों प्रथम स्थान मिलेगा। दोस्तों आप स्थान के हर बार इनाम ही नहीं दिया जा सकता, हर बार उनको शब्दों के माध्यम से, स्थान के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से आप प्रोत्साहित करें। अरे बेटा तुम तो जीनियस हो, अरे तुम्हारे जैसा तो कोई मैथ लगा ही नहीं सकता यार, तुम्हारी राइटिंग तो इतनी अच्छी है कि अरे कोई देखे तो कहे अरे क्या बात है, एकदम सुंदर माला की तरह लिखते हो तुम, सुंदर मालाओं की तरह सजा दिए हो एकदम। ऐसे अच्छे कार्य के लिए सकारात्मक पुनर्बल देकर छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उसे हमेशा प्रोत्साहित करिए। ऋणात्मक पुनर्बलन प्रयोग में गलत व्यवहार के लिए काम किया जाना चाहिए। स्किनर के अनुसार यदि व्यक्ति को परिणामों की जानकारी होती है तो उसका सीखना तथा व्यवहार प्रभावित होता है। यानी स्किनर ने कहा अगर बालक के परिणामों की जानकारी है कि इस कार्य को करने से मुझे ये प्राप्त होगा, इस कार्य को करने से मुझे दुख प्राप्त होगा, तो वह कार्य वो नहीं करता। परिणाम अगर बालक जान रहा है कभी भी गलत चीज नहीं करेगा। और इस सिद्धांत के प्रयोग से सीखने की गति तथा सफलता में वृद्धि की जा सकती है। इस सिद्धांत से स्किनर ने बताया कि हम सीख सकते हैं, अपने गति को तेज कर सकते हैं। तो ये चीज था, स्किनर की थॉट थी दोस्तों, बहुत अच्छी थॉट थी स्किनर की, आप जरूर समझ चुके होंगे आज की क्लास में। तो दोस्तों ये आपकी नितिन सर के द्वारा लिखी गई हैंडराइटिंग की पुस्तकें हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिकालीन इतिहास, सामान्य हिंदी, भारतीय राजवंशता, और सारी पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आज की क्लास कैसी लगी दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, और जय हिंद दोस्तों।